Hello everyone, in this session we will study about cerebrospinal fluid CSF, जिसको हम CSF भी बोलते हैं, जो ब्रेन में और जो स्पाइनल कोड है उसमें फ्लो करता रहता है, कैसे ये बनता है और कैसे कैसे ये फ्लो करता है, उस मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो cerebrospinal fluid है, cerebrum और नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पाइनल कोड है यहाँ पे ये फ्लो करता है, ये बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट और क्लरलेस फ्लूड रहता है। क्लरलेस फ्लूड अभी ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहता है? इट विल प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में मिलेगा एंड स्पाइनल कोर्ड एंड सब आर्कनोइड स्पेसेस। ब्रेन के जो वेंट्रिकल पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में बनता भी है और फिर ये ब्रेन के सब आर्कनोइड स्पेसिस में प्रेजेंट रहेगा और स्पाइनल कोड के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये फ्लो करता है। इट इज वेरी क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूड एंड विदाउट क्लर ये फ्लूड प्रेजेंट रहता है। सपोज दिस इज अवर ब्रेन, अभी कैसे कैसे ये इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा वो चीज देखेंगे। ये बोन्स प्रेजेंट है, मेडुला प्रेजेंट है एंड यहाँ पे स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। स्पाइनल कोड अभी जो ये पार्ट है दिस वन, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? थैलेमाई, दो थैलेमाई प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेन का ये एक जनरली हम लोग नॉर्मल डायग्राम लेके चल रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, वेंट्रिकल्स किधर प्रेजेंट हैं, कौन सा मिड ब्रेन है, कौन सा फोर ब्रेन है। दिस इज फोर ब्रेन एंड दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हिंड ब्रेन, जहाँ पे पोन्स एंड मेडुला ओब्लिगेटा प्रेजेंट है एंड दिस वन पार्ट इज स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड प्रेजेंट है, ये जस्ट मिड ब्रेन के ऊपर एक डीपेस्ट पार्ट प्रेजेंट रहता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दैट इज थैलेमस। थैलेमस दो स्ट्रक्चर राइट में और लेफ्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ये डीपेस्ट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के और दो थैलेमस प्रेजेंट हैं। अभी इसी के जस्ट सुपीरियरली यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस वन, ऐसे यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। ये दो लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। फिर इसी के जस्ट नीचे चलते हुए, जस्ट इसी के नीचे चलते हुए यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। दिस इज लेटरल वेंट्रिकल दोनों साइड में एंड दिस इज जो ये जो पार्ट है, दिस वन पार्ट, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। देन इसके बाद ये जो डक्ट प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल के बाद, दैट इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट। देन यहाँ से ये जो डक्ट है ओपन हो जाते हैं लाइक दैट, और जो स्पाइनल कोड है जो नीचे से आ रही है और ऊपर तक जाएगी, ये यहाँ पे इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेगी। जो मेडुला है और पोन्स है उसके जंक्शन के बीच में स्पाइनल कोड ऊपर तक आएगी और जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट थी उसके साथ ही लिंक फॉर्म कर लेगी और जो ये पार्ट जो ये फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। सिंपली दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हिंड ब्रेन और फिर एक स्पाइनल कोड एलोंगेट करती है जो फुल बैक में प्रोसीड करेगी। जस्ट हम लोग मिड ब्रेन के जस्ट एंटीरियरली बात कर रहे हैं, वहां पे टू स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज थैलेमस जो डीपेस्ट पार्ट है सेरिब्रल में और उसी के ऊपर सुपीरियरली दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल में जाके ओपन होते हैं और ये किसके थ्रू ओपन होते हैं? यहाँ पे कौन से ऐसे जो ये फोरामेन है प्रेजेंट होते हैं? That foramen of Monroe,
यहाँ पे दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी जो कि किस में ड्रेन करेंगे फ्लूड को, थर्ड वेंट्रिकल में। और थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू होगा? फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर एक सेरेब्रल, थर्ड वेंट्रिकल में फ्लूड आ गया, उसके बाद सेरेब्रल एक्वेडक्ट प्रेजेंट है, इस डक्ट के थ्रू फिर ये ब्लड किधर जाएगा? वेंट्रिकल्स में। किस में जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। वो किसके थ्रू जा रहा है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अभी जैसे ही ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ पे टू लेटरल ओपनिंग्स प्रेजेंट है जो पोन्टाइन सिस्टम को जाके फ्लूड ड्रेन करेंगी, एंड दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का। फिर इनके जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक पोस्टीरियरली एक ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जिसके थ्रू ब्लड का क्या है फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। और जो ये दो ओपनिंग्स हैं, ये पोन्टाइन सिस्टम में, और जो फोरामेन ऑफ मेजेंटी है, ये मेडुलरी सिस्टम में सीएसएफ को ड्रेन करेगी। सिंपली दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अभी जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके पास दो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, दो लेटरल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड फोरामेन ऑफ लस्का, और एक मिडली एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और ये स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेन करती है। दिस इज ओवरऑल अबाउट जनरल स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे फ्लूड जो है ट्रेन करेगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट सेरेब्रल कोरोइड प्लेक्सिस, जहाँ पे क्या सीएसएफ बनता है, कैसे ये बनता है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड है, ये कोरोइड प्लेक्सिस में फॉर्म होता है, कोरोइड, कोरोइड प्लेक्सिस। अभी ये कोरोइड प्लेक्सिस है ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट है वो डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज अ ब्रेन, कोरोइड प्लेक्सिस कैसे कैसे बनता है वो चीज देखेंगे। अभी ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अभी हमने बात किया था कि यहाँ पे दो वेंट्रिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे हम लोगों का थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट था, फिर यहाँ पे आगे चल के फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट था, फिर ये इसमें ड्रेन कर रहा था। जो हम लोगों का फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, दैट इज लाइक दैट, जो ये फोर्थ वेंट्रिकल था जिस पे हमने बात किया था, यहाँ पे फोरामेन ऑफ लस्का प्रेजेंट थे, फोरामेन ऑफ मेजेंडी प्रेजेंट थे, कुछ कोरोइड प्लेक्सेस इसकी रूफ पे प्रेजेंट रहेंगे, दैट वन कोरोइड प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, और कुछ जो है ये कोरोइड प्लेक्सेस ये लेटरल वेंट्रिकल्स में जाके प्रेजेंट है, लाइक दैट। बी सी एस एफ कहाँ से आएगा? अगर ये कोरोइड प्लेक्सेस में बन रहा है, इट मीन्स ये जो कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये सीएसएफ को ड्रेन करेंगे। यहाँ पे जो ये कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे इस कैविटी में, जो हमने बात किया दो वेंट्रिकुलर कैविटी, थर्ड वेंट्रिकुलर कैविटी, फोर्थ वेंट्रिकुलर कैविटी या सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू आता है। कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट है एंड फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, और ये सीएसएफ को यहाँ पे ड्रेन करते हैं। अभी जो कोरोइड प्लेक्सिस है वो बनता कैसे है, फर्स्ट वो बात करेंगे। सपोज ये ब्रेन का कोई भी एक पार्ट ले लिया हमने, दिस वन, कोई भी ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन के पार्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? आर्टरीज, आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, और साथ के साथ ब्रेन में वेन्स प्रेजेंट होती है, वेन्स। आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलके क्या फॉर्म करती हैं? दैट इज कैपिलरी लूप। आर्टरीज और वेन दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कैपिलरी लूप। अभी जो ये कैपिलरी लूप है, जैसे ही ये ब्रेन के अंदर जाता है, ब्रेन टिश्यूज में जैसे कैपिलरीज या आर्टरीज इन्वेजिनेट करती हैं, तो बाहर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है, पाया मैटर, लेयर जोन सी प्रेजेंट रहती है, पाया मैटर। ब्रेन के टिश्यूज में जो ब्रेन है फुल, यहाँ पे एक सबसे इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर रहती है, देन आर्कनोइड मैटर, देन
डूरा मैटर। तो ये जैसे ही आर्टरीज ब्रेन टिश्यूज में जाएंगी तो इसके बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट रहेगी, पाया मैटर। जब ये आर्टरीज इन्वेजिनेट कर रही हैं ब्रेन टिश्यूज में तो इनके बाहर एक पाया मैटर प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया टीला कोरोइड। टीला कोरोइड दैट इज कॉल्ड टीला कोरोइड। लेकिन जैसे ही ये ब्रेन टिश्यूज के पास जा रही हैं तो इसके ऊपर एक फर्दर एक लेयर ओ प्रेजेंट रहेगी, इसके ऊपर एक लेयर ओ प्रेजेंट रहेगी, दैट लेयर इज कॉल्ड एपेंडाइमल, एपेंडाइमल लेयर। अभी जो ये एपेंडाइमल लेयर है यही क्या फॉर्म करवाती है, यही सीएसएफ का फॉर्मेशन कराती है। और जब इसके ऊपर एक टीला कोरोइड के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं आर्टरीज वेंस कैपिलरी लूप फॉर्म कर रही है, जैसे ही वो ब्रेन टिश्यूज के अंदर एंटर करेंगी तो उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगा पाया मैटर का, एंड दैट वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टीला कोरोइड। बट अगर उसी में फर्दर एक आउटर कवरिंग एक और प्रेजेंट होती है, दैट इज एपेंडाइमल लाइनिंग, अगर वेसल्स या कैपिलरी लूप के ऊपर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोइड, कोरोइड प्लेक्सिस। अगर एपेंडाइमल सेल्स क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, पाया मैटर आर्टरीज और वेंस के ऊपर, सेकेंडली एपेंडाइमल कवरिंग, एपेंडाइमल, एपेंडाइमल अगर उसको कवर करती है, आर्टरीज और वेंस कैपिलरी लूप के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सिस, उसको क्या बोलेंगे, कोरोइड प्लेक्सिस। अभी जो कोरोइड प्लेक्सिस है ये सीएसएफ बनाता कैसे है, ये हमने स्ट्रक्चर, जस्ट स्ट्रक्चर था ये किसका, कोरोइड प्लेक्सिस का, कि कोरोइड प्लेक्सिस बना किस किस चीज से है, कैपिलरी लूप है, आर्टरीज वेंस का, पायामेटर की कवरिंग है, एपेंडाइमल की कवरिंग है, और जो कोरोइड प्लेक्सिस है प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, वेंट्रिकल्स में और फोर्थ वेंट्रिकल्स में है, जो सीएसएफ को ड्रेन करता है और सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सिस में बनता है। अभी ये जनरल स्ट्रक्चर था, अभी मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे ये वर्क करता है वो चीज देखेंगे। मैकेनिज्म कैसे जो है सीएसएफ बनता है, फर्स्ट मैकेनिज्म और सीएसएफ फॉर्मेशन, एक इसमें एक्टिव मैकेनिज्म रहेगा, एक इसमें पैसिव मैकेनिज्म रहेगा। पैसिव मैकेनिज्म, एक्टिव मैकेनिज्म में क्या है कि जो ये एपेंडाइमल सेल्स हैं ये सोडियम को सिक्रेट करने लगती हैं, सोडियम को सिक्रेट करने लगती हैं, जो ये एपेंडाइमल सेल्स हैं ये क्या सिक्रेट करेंगी, सोडियम, सोडियम को सिक्रेट करेंगी। अभी सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो पैसिवली वो किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो CSF में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम क्लोराइड। अभी जो ये सोडियम क्लोराइड है बाय ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वहां पे जनरली प्रेशर क्रिएट करेगा। तो CSF में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सिंपली जो हमने ये कोरोइड प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर देखा, इसके आउटर में एक लाइनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एपेंडाइमल लाइनिंग। अभी एपेंडाइमल लाइनिंग जो है वो सिक्रेट करेगी, यहाँ पे कैल्शियम, नो सॉरी, सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है, तो सोडियम चैनल प्रेजेंट है तो ये सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलरली बाहर निकालेगी। जैसे ही सोडियम आउटर साइड जाता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अगर पॉजिटिवली है तो सिमिलरली वहां पे क्या हो जाएगा, पैसिवली चार्ज्ड, पैसिवली चार्ज जो नेगेटिव आयन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड आयन्स फॉर्म हो जाएंगे और ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर कंटेंट इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी किसका मिलेगा, पोटासियम का, बिकॉज पोटासियम जो है अंदर की तरफ मूव करने लगता है, के पॉजिटिव आयन जो है इंटरनली मूव करने लगता है, तो यहाँ पे ये चीज चलता है, सोडियम और क्लोराइड आउटर साइड आते हैं और पोटासियम आर्टरीज के अंदर जाता है, तो ये जो है फंक्शन ये रहेगा, वॉटर को ही लेता है। थर्ड थिंग, सोडियम क्लोराइड, अभी वॉटर का बात क्या, थर्ड वन इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अभी जो एपेंडाइमल है ये ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करती है, बट एज कम्पेयर टू ब्लड यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम रहता है। अगर ब्लड के कंपैरिजन में देखें ओनली यहाँ पे टू थर्ड ऑफ ग्लूकोज आता है एज कम्पेयर टू ब्लड। तो अभी सीएसएफ में क्या क्या कंटेंट है, ग्लूकोज कंटेंट है, सोडियम क्लोराइड कंटेंट है,
एंड ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट फ्लूड प्रेजेंट रहता है. दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म. कोरोइड प्लेक्सिस में कैसे कैसे बनता है, कोरोइड प्लेक्सिस कैसे बनता है और इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म रहता है, एक्टिव मैकेनिज्म. दिस इज अबाउट कोरोइड प्लेक्सिस. अभी बात करेंगे कि CSF ब्रेन कैसे कैसे होता है, ब्रेन के अंदर कैसे कैसे जो है CSF जाता है. दिस वन, अभी ब्रेन की हमने थ्री लाइनिंग्स की बात करते हैं. थ्री मैनेंजेस प्रेजेंट है, पाया मैटा, आर्कनोइड मैटा एंड थर्ड वन इज डूरा मैटा. तो थ्री लेयर्स को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. दिस वन इज पाया मैटा एंड जो आउटर वन है दैट इज आर्कनोइड मैटा एंड इससे भी बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, डूरा मैटा. ये थ्री लाइनिंग्स जो है प्रेजेंट है. अभी हमें पता है कि जो पाया मैटर और जो आर्कनोइड मैटर है इसके बीच में जो ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड सब आर्कनोइड स्पेस, सब आर्कनोइड स्पेस. अभी हमने बात किया था कि जो ये मिड ब्रेन है इसके जस्ट ऊपर दो थैलेमाई प्रेजेंट है, टू थैलेमाई. फर्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम बना लेते हैं. यहाँ पे दो वेंट्रिकुलर सिस्टम था दैट इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल. फिर यहाँ पे दो मोनरो प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ मोनरो. यहाँ पे फिर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है. यहाँ पे एक्वेडक्ट प्रेजेंट है. देन ये जो चीज है ये किस में ओपन करेगी, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल. फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और भी लंबी रहती है, यहाँ तक लंबर रीजन तक रहेगी. तो ये यहाँ पे ये चीज है. अभी फर्स्ट हमने बात किया था कौन कौन से फोरामेन प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी. और बीच में दिस वन इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट. फर्दर हमने बात किया था कि जो सॉरी कोरोइड प्लेक्सिस है कहाँ का प्रेजेंट है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है. जो रूफ है यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है. फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है. अभी कोरोइड प्लेक्सिस में जैसे ही CSF बनता है ये इसके अंदर ड्रेन करने लगता है. जो ये वेंट्रिकुलर कैविटी है, थर्ड वेंट्रिकुलर कैविटी है, फोर्थ वेंट्रिकुलर कैविटी है, इसमें ड्रेन करने लगता है. जैसे ये फोर्थ वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ से जो ये पोंटाइन, ये जो ओपनिंग है फोरामेन ऑफ लस का, ये पोंटाइन सिस्टम को भी ड्रेन करता है और फ्लूड जो है सब आर्कनोइड स्पेसेस में भी जाता है. जो ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी है फर्दर ये मेडुलरी कैविटी को भी प्रोवाइड करता है और कुछ CSF जो यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेटिक्स को भी CSF जो है प्रोवाइड करता है. आर्कनोइड स्पेसेस में भी एब्जॉर्ब हो रहा है और सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल लिम्फेटिक्स में भी एब्जॉर्ब हो रहा है. और जो पेरिवस्कुलर स्पेसेस हैं यहाँ पे आसपास स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो वेसल्स प्रेजेंट होंगी CSF कुछ कुछ उसमें भी ड्रेन होगा. दिस इज जनरल अबाउट कैसे कैसे CSF मूव करता है. देन हम बात करेंगे कि जो ये CSF है किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है. CSF का फर्स्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. अभी जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे काउंटर कोप इंजरी रहता है. सपोज अगर यहाँ से कोई चीज मेरे हेड पे स्टक गई या फिर कोई एक्सीडेंट में यहाँ से कोई भी एक फोर्स आ रही है तो इमिडिएटली इस वाले रीजन पे जाके चोट लगेगा. तो एक काउंटर कोप इंजरी का मैकेनिज्म इसमें रहता है. अभी जो CSF अगर ब्रेन के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ये ब्रेन इसके अंदर फ्लोट करता रहता है, इजली मूव करता रहता है. कोई इंजरी होती है या शोक होता है तो ये जो बाहर फ्लूड प्रेजेंट है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. कोई भी इंजरी या ब्लो आ रहा है तो उससे प्रिवेंट कराएगा और आराम से इसके अंदर ब्रेन जो है फ्लोट करता रहेगा. तो इसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. सेकंड, इसका न्यूट्रिएंट्स स्पाइक करता है. जो ब्रेन टिश्यूज हैं, लाइनिंग्स हैं, मेनिंजेस हैं, वहां पे ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई में भी काम करता है और साथ के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करता है.
दिस इज ऑल अबाउट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड. इट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूड एंड इट इज फ्लो इन द सेरिब्रम सेरिब्रल कैविटी एंड द स्पाइनल कॉर्ड. अभी हम बात करेंगे कि CSF डायग्नोस्टिक पर्पज से कैसे कैसे यूज किया जाता है. डायग्नोस्टिक पर्पज, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो CSF को हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं. फर्स्ट जो CSF है, ये जो कोडा इगुआना है L2 L3 के जस्ट ये वाला जो पार्ट रहता है, स्पाइनल कोड यहाँ पे डीजनरेट कर जाती है. तो यहाँ पे जो आर्कनोइड लेयर है वो थिक मिलेगा आपको, पाया मैटर रीजनरेट कर जाता है. अभी हमने बात किया था सब आर्कनोइड स्पेसिस में CSF प्रेजेंट है और वहां पे जो कोडा इगुआना है, क्या जो चीज प्रेजेंट है, कोडा इगुआना जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, तो इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ये रीजनरेट कर सकता है. अगर हम लोग वहां से अगर फ्लूड ड्रेन करते हैं तो वहां पे हम लोग किसी नर्व को भी, नर्व इंजरी भी नहीं हो रहा है और साथ के साथ कोडा इग्वाना के अंदर कैपेबिलिटी भी है, वो रीजनरेट कर सकता है. पाया मैटर यहाँ तक डीजनरेट कर जाती है और आर्कनोइड मैटर थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है. वहां से हम फ्लूड को लंबर पंक्चर करके फ्लूड को एस्पिरेट कर सकते हैं. एक तो फ्लूड एस्पिरेशन हो सकता है, फर्स्ट इज फ्लूड एस्पिरेशन डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए. अगर हमें चेक करना है, सपोज कोई अगर इन्फेक्शन है या ब्रेन का कोई डिजीज हो रखा है, उस टाइम पे हमें अगर CSF चाहिए, यहाँ से हम लोग ड्रेन कर सकते हैं. सेकेंड, इसको हम लोग और किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए, रिहेबिलिटेशन पर्पज में. जैसे अगर कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो एनेस्थीजिया यहाँ पे दिया जा सकता है, बॉडी को सेडेटिव इफेक्ट में लेके जाने के लिए, या सर्जरी परफॉर्म करने के लिए एनाल्जेसिया या एनेस्थीजिया यहाँ से भी दिया जा सकता है. और इसमें पेशेंट को रिकमेंड पोजीशन में लेके जाएंगे, फ्लेक्स्ड लेके जाएंगे, और जो ये इलाइक रेस्ट है इसके दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और पहले हम लोग लेवल को पालपेट करेंगे, L2 और L3 किधर है. तो इलाइक रेस्ट के ऊपर हाथ रख के इस लेवल को हम लोग मेजर करेंगे और L2 L3 और L4 कौन से नंबर के बीच में, L3 एंड L4 इनके दोनों के बीच से हम लोग फ्लूड को ड्रेन करेंगे. या फिर हो सकता है कि जो ओसीपिटल और एटलस है, दिस वन इज ओसीपिटल बोन, ये जो पार्ट है ओसीपिटल है और यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रल प्रेजेंट है एटलस, यहाँ से हम लोग सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू वहां से फ्लूड CSF ड्रेन कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट CSF. थैंक यू.